Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to learn how to make this beautiful home decor. If you are new here, please consider subscribing my channel and also hit the bell icon to stay updated. तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल लिया है एंड मैं उसको हाफ में कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है जिसकी साइज मैंने बॉटल के अकॉर्डिंग रखी है एंड मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। तो बॉटल को ऊपर से कवर करने के बाद में यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर लिया है एंड फेविकॉल और पानी का मिक्सचर रेडी करा है एंड मैं टिश्यू पेपर को बॉटल के ऊपर कवर करूँगी। तो बॉटल को कवर करने के बाद में हम इसको अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स के लिए सूखने देंगे एंड यहाँ पे मैंने एक बोल में वाइट सीमेंट ली है, आप चाहो तो POP भी ले सकते हो एंड मैं इसका एक बैटर तैयार करूँगी, ना ज़्यादा थिक करूँगी ना ज़्यादा रनी करूँगी। सो आपको इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखनी है, ना ये ज़्यादा रनी है ना ज़्यादा थिक है। तो बैटर तैयार करने के बाद में यहाँ पे मैंने बबल रैप शीट ली है एंड मेक श्योर कि आपकी जो भी बबल्स हो वो इंटैक्ट हो पूरे एंड जो हमने अभी मिक्सचर रेडी करा था मैं उसको इसके ऊपर फैला लूँगी। तो मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद में अब हम हमारी बॉटल लेंगे एंड इसके ऊपर हम इस शीट के ऊपर इसको रैप कर देंगे। तो आपको इस शीट को ऊपर एंड नीचे दोनों साइड में अच्छे से रैप करना होगा। तो रैप करने के बाद में मैं स्लाइटली इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो बबल्स है उसका शेप बहुत अच्छे से ले एंड इसको मैक्सिमम 2 डेज के लिए आपको सूखने देना होगा। तो अभी हम यहाँ पे हनी बीज बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने क्ले लिया है एंड मैं इसके हनी बीज बनाऊंगी। शेप इज़ ऑलमोस्ट सेम, आपको 2 सर्कल ज्वाइंट करके रखना है एंड उसके जो ऊपर के एंटीनाज होते हैं वो मैंने ऑलपिन की हेल्प से बनाए हैं। सो या जैसा मैं वीडियो में बना रही हूँ आपको वैसा ही बनाना है। सो इट्स बीन 48 आवर्स एंड इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड अप। अभी मैं इसके ऊपर कलर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्राइट येलो कलर लिया है एंड मैं पूरी जगह में येलो कलर करूँगी। तो येलो कलर होने के बाद में अब हम इसको थोड़ा सा हनी कलर दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है एंड मैं इसके ऊपर इसको कलर करूँगी ताकि ये एक हनी कॉम की जैसे दिखे। तो मैंने हनी बीज को भी कलर कर लिया है एंड मैंने कुछ फ्लावर्स भी बनाए हैं। तो इनको स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे सीमेंट का मिक्सचर बनाया है एंड मैं उनकी हेल्प से इनको हनी कॉम के ऊपर स्टिक करूँगी। तो सारे हनी बीज एंड फ्लावर स्टिक होने के बाद में आपको इसको 1 to 2 आवर्स के लिए ड्राई अप होने के लिए रखना है। तो हमारे फ्लावर्स एंड बीज ड्राई अप हो चुके हैं। नेक्स्टली यहाँ पे मैं लीव्स
इनके ऊपर स्टिक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने पेपर के ऊपर लीफ शेप की कट करा है एंड मैं इनको इनके ऊपर स्टिक करूँगी। तो लीव स्टिक होने के बाद में अब हम हमारे हनीकॉम की ओपनिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक साइड में मार्क करूँगी ओवल शेप से एंड मैं उसको कट करके उसकी ओपनिंग बनाऊँगी। तो ओपनिंग बनाने के बाद में आपको इसको अच्छे से फिनिश अप करना है। नेक्स्टली यहाँ पे मैं हनी गिरने जैसा इफेक्ट दूंगी, तो उसके लिए मैंने जहाँ से ओपनिंग है वहाँ पे हॉट ग्लू फैलाई है एंड नीचे प्लास्टिक की शीट पे भी मैं थोड़ी सी हॉट ग्लू को लगा दूंगी एंड जब वो सूख जाए तो उसको निकाल दूंगी एंड उसके ऊपर कलर कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको गोल्डन येलो कलर कर दिया है एंड ये बिल्कुल रियल लग रहा है। सो दैट्स द फाइनल लुक एंड इट टर्न्ड आउट वेरी ब्यूटीफुली। आई होप यू लाइक माय वीडियो पसंद आया हो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।